हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फिरोज, फिरोज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ये वाली जो कपलिंग है इसे चेंज करके मैं दिखाऊंगा। ये कपलिंग आप चेंज करना सीख जाएंगे उसके बाद में कोई सी भी कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर का जार क्यों ना हो, उसकी कपलिंग को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका बताऊँगा, आप अपने घर पर ही इस कपलिंग को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस आप इस बात का ख्याल रखें, आप कभी भी कपलिंग लगाएं या चेंज करें तो हमेशा हैवी कपलिंग लगाएं। यह नॉर्मल कपलिंग है इसलिए प्रॉब्लम होती है बार बार। एक बार आप इस तरीके की हैवी कपलिंग लगाएंगे उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। यह कपलिंग बहुत ही कम ख़राब होती है, 95% तो ख़राब होती ही नहीं है जल्दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा आप हैवी कपलिंग लगाएं। हैवी नट आप देख सकते हैं कितना हैवी नट है, ये नट फ्री नहीं होता है। इस कपलिंग को खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस कपलिंग को खोलेंगे। आप घर पर हैं, केवल प्लास है आपके पास में, सिर्फ प्लास के ज़रिए इस कपलिंग को आप खोल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप ब्लेड को कपड़े से किसी पकड़ लें, हाथ से ना पकड़ें। ब्लेड में धार होती है, कभी हाथ कटने का भी डर है हाथ में लगने का, तो आप हमेशा कपड़े से ब्लेड को पकड़ लें मजबूती से। हमने कपड़े से ब्लेड को पकड़ लिया है, इस तरीके से पकड़ लें आप। उसके बाद में हाथ से कपलिंग को घुमाएं, नहीं खुल रही है, काफ़ी टाइट होती है। 100 में 10 कपलिंग होती है जो हाथ से खुल जाती है, 90 कपलिंग हाथ से नहीं खुलती, चाबी से ही खोलनी पड़ती है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आपके पास में इसकी चाबी तो है नहीं खोलने की, किस तरीके से खोलेंगे। अगर कपलिंग खुल जाती है तो बेहतर है, आप खोल के यहीं से चेंज कर लें। अगर नहीं खुलती है तो वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, कपलिंग को हाथ से पकड़ना है इस तरीके से और ब्लेड के इस वाले नट को खोलना है। यदि ये नट बहुत ही आसानी से खुल जाता है, प्लास्टिक का नट होता है इसलिए। ये देखिए हमारा ये नट खुल चुका है। अब ये कटोरी वाली शाफ्ट है तो थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। आप यहाँ पे प्लास से जब चोट मारेंगे, इसके ऊपर जब आप प्लास से चोट मारेंगे हल्की सी, ज़्यादा तेज नहीं माननी है कि इसकी जो ये मुंह है ये ख़राब ना हो। उसके बाद में ये कपलिंग बाहर की साइड में निकल आएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हो गया है, आप एकदम सिंपल प्रोसेस। आप देखिए जब कपलिंग नहीं खुलती है आपकी बैक साइड से, उस टाइम पर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, वरना पीछे से कपलिंग खोल के हाथ से यहाँ से और सिंपल कपलिंग लगा देनी है। इस तरीके से आपने निकाल लिया, उसके बाद में आप क्या करें, इस वाले ब्लेड को यहीं पे दोबारा से टाइट कर देंगे। इसको टाइट कर दिया आपने, अब आप कपड़े से ब्लेड को पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ें और दूसरी साइड भी कपड़े से पकड़कर कपलिंग को पूरी तरीके से ग्रिप बन चुकी है, आप खोलिए। देखिए एकदम सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से बिना चाबी के आपकी कपलिंग खुल जाएगी। ये आपकी कपलिंग खुल चुकी है, अब आप दोबारा से इस ब्लेड को खोलेंगे। अभी तो केवल मैंने फंसाया हुआ था। जो आपने ये वार्सल निकाला था प्लास से चोट मारकर, इसको यहाँ पे लगाएंगे और दोबारा से शाफ्ट को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। ये टाइट कर दिया है मैंने। इस नट को बहुत ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि बहुत ही हल्का नट होता है, फ्री बहुत जल्दी हो जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। उसके बाद में जो वार्सल जिस तरीके से जितने वार्सल लगे थे आप उस तरीके से वार्सल लगा के यहाँ से कपलिंग को डालकर शाफ्ट को ऊपर, दो वार्सल और लगे थे, तीन में ये लगा देता हूँ। अब सही वर्क कर रहा है ये देखिए। अब यहाँ पर कितने वार्सल लगेंगे, जितने वार्सल हमें लगाने हैं वो लगाऊंगा मैं। उसके बाद में इस हैवी कपलिंग को आप टाइट कर दें। इसे फुल टाइट इतना भी ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि ये उल्टी चूड़ी की होती, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में लगाएंगे ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। अगर ब्लेड पकड़कर यहाँ से कपलिंग खुलती है तो आप सिंपल चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं खुलती है तो मैंने जो प्रोसेस बताया इस तरीके से भी आप
कपलिंग को चेंज कर सकते हैं। आप बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब करें।